गाइस सॉरी फॉर द मैस बिकॉज आज मेरा माइक खराब हो गया है और आज ही हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कीर्तन हो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, झाड़ू लगाया जा रहा है, यू नो बहुत कुछ हो रहा है, बट ये सारी जो नॉइजेज है आज ही आनी है बिकॉज आज मेरा माइक खराब है। तो आप इन सब चीजों को इग्नोर करके प्लीज जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान देना। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल DIY विद पिंक्स और आज का वीडियो स्पेशली उन बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है या फिर हाउस वाइफ एंड हस्बैंड्स के लिए है, वाइफ एंड हस्बैंड्स के लिए है जो लोग मोटे हैं और वैलेंटाइंस डे तक अपने आप को बिल्कुल फिट करना चाहते हैं। गाइस पर्सनली ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के अपनाए हुए तरीके हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको यूज करने के बाद आप लोग भी एक बहुत ज्यादा एक परफेक्ट फिगर पा सकते हैं वैलेंटाइंस डे तक। वैलेंटाइंस डे को भी आने में 15 डेज बाकी हैं और गाइस 15 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है। 15 दिन में आई गारंटी कि आप 10 से 15 किलो तक आप आराम से लूज कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको कुछ ही नहीं करना है, बस अपनी डेली रूटीन लाइफ में कुछ 5 से 6 चीजें जो कि थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि आपको उन चीज़ों की आदत नहीं है, बट वो आपको अब ट्राई करनी है बिकॉज अगर आपको अपने आप को फिट करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो कि मेहनत आपके रंग भी लाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है तो चलिए देखते हैं। सो गाइस वेट लॉस करने के लिए हमें क्या सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें ज़रूरी है एक परफेक्ट मॉर्निंग ड्रिंक। आज मैं जो आपको मॉर्निंग ड्रिंक बताने वाली हूँ उसके सिर्फ 2 ही फायदे हैं। एक है उसमें जीरा, तो जीरा क्या काम करता है, जीरा आपके जो टमी एरिया है ना, जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि मैम हमारा तो पूरा बॉडी ठीक है बट हमारा टमी एरिया बहुत ज्यादा है, ये जो जीरा वाटर है ये उस एरिया पे अटैक करता है और आपको टमी फैट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो गाइस जो सेकेंड हम इसमें यूज करेंगे, जो दूसरी चीज हम यूज करेंगे वो है अदरक। अदरक क्या करता है, वो हमारी बॉडी की सूजन को कम करता है। तो फिर चलिए देखते हैं ये ड्रिंक हम कैसे बनाते हैं। सो गाइस इस पानी को बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक गैस के ऊपर रखना है, आपने पैन रख दिया है और आपने इसमें 1.5 कप पानी को ऐड करना है। ध्यान रहे पानी 1.5 कप ही डालें क्योंकि ये पानी वेपोरेट भी होगा। उसके बाद गाइस हमने इस पानी में डालना है 1/2 इंच अदरक का कटा हुआ, बिल्कुल साफ करके डालना है, धो के डालना है और इसकी हमने जो इसकी बाहर की जो स्किन है वो रिमूव नहीं करनी है क्योंकि इसके खुद एक हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून जीरा। जी गाइस जीरा मैंने आपको बता दिया है ये टारगेटेड एरिया जो हमारा टमी फैट होता है उसको रिड्यूस करने में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर आपने इसको ढक कर 15 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देना है। गाइस 15 मिनट तक हम इसको ढककर उबलने के लिए छोड़ देंगे। गाइस आपने चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, खासकर बैड टी तो बिल्कुल नहीं पीनी है, आपने मॉर्निंग में खाली पेट इस ड्रिंक का ही सेवन करना है। गाइस अब आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते हुए। अब हम इस गैस को कर देंगे स्विच ऑफ और हम ये जो पानी हमारा जो हमने मॉर्निंग ड्रिंक बनाई है इसको हम छान लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें 1 कप पानी डाला था और अभी बिल्कुल हाफ रह गया है। आपने भी ठीक इसी तरह से 1 कप फुल पानी डालना है और जब तक इसको बॉयल करना है जब तक कि ये 1/2 कप ना रह जाए। तो दोस्तों ये हमारी मॉर्निंग ड्रिंक तैयार है, आप इसको बिल्कुल खाली पेट सुबह पियेंगे और गाइस इसको पीने के बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा फैट है, जो आपके स्टमक एरिया से एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। गाइस मॉर्निंग ड्रिंक तो हम सब ने पी लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 30 मिनट की लाइट एक्सरसाइज करनी है। अगर आप विलिंग है तो आप हार्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, अगर आपके किसी की पेट में दर्द है या किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 30 मिनट की एक वॉकिंग कर सकते हैं। आप पार्क में जा सकते हैं जो नियरेस्ट आपका पार्क है या फिर आप अपने रूफ पे भी जा सकते हैं और 30 मिनट की आप अच्छी तरह से वॉकिंग ज़रूर करिए। गाइस उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, जो सबसे मेन पॉइंट है कि आपने अपने खाने की क्वांटिटी पे ध्यान देना है, आपने अपने खाने की टाइमिंग पे ध्यान देना है और आपने ये ध्यान रखना है कि आप अगर खा रहे हैं तो वो कितना खा रहे हैं। सबसे पहले अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए कि आप दिन में 4 रोटी खाते हैं, लाइक 4 रोटीज आप एक टाइम पे दिन में खाते हैं। आपने क्या करना है, आप खाना खाते हैं 1 बजे, दिन के आप 1 बजे आपने 4 रोटी खानी है, आपने एक साथ 4 रोटी बिल्कुल नहीं खानी है। आपने क्या करना है, आपने 1 बजे 2 रोटी खानी है, उसके बाद आपने 4 बजे फिर वो 2 रोटी खानी है। ऐसे क्या हुआ,
जो आपने पहले दो रोटी खाई उसको डाइजेस्ट होने के लिए आपके पास 3 घंटे आपको मिले, फिर जब वो खाना डाइजेस्ट हो गया आपने वो फिर दो रोटी खाई तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर फील करती है। यार ग्रीन वेजिटेबल्स कितनी ज्यादा रखी है और इन वेजिटेबल्स को बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप जैसा कि मैं बनाती थी, मैं क्या करती थी, सिंपल मैंने एक पालक की गुच्छी ली, उसको धोया, बस रफली उसको चॉप किया, हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला, जीरा डाला और देन रेडी, उसको बीच में डाला, ढक दिया, बस 5 मिनट तक उसको हल्का सा फ्राई किया, वो सब्जी मेरी तैयार हो गई है। और ऐसे ही आपने क्या करना है, सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा उसको आपने रॉ खाना है, ठीक है। और तीसरा क्या करना है, आपने बहुत अच्छा एक फ्रूट, बंच ऑफ फ्रूट का आपने लेना है, एक बाउल ऑफ फ्रूट का आपने एक दिन में डाइट में अपनी शामिल ज़रूर करना है। आप जितना हो सके गाइस उतना आप पानी पिए, पानी पीना अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, पानी पीने से क्या होता है कि अगर आप वेट लॉस पीरियड पे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके फेस से ग्लो तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस से ग्लो ना जाए और आपकी बॉडी भी फिगर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, आपका फिगर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, दिन में कम से कम आपको 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सर्दियाँ चल रही है तो गर्म पानी पीना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई मुश्किल काम है। सर्दियाँ चल रही हैं, जितना हो सके उतना गर्म पानी पिए, गर्म पानी आपको ठंडे पानी के मुकाबले ज़्यादा असर देती है। 5 लीटर पानी पीना बहुत, 4 से 5 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बॉडी को हाइड्रेट रखेगा प्लस आपके स्किन पर ये ग्लो को भी बरकरार रखेगा। तो गाइस मॉर्निंग ड्रिंक बना के हमने पी ली, लेकिन जितना मॉर्निंग ड्रिंक पीना ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए, उतना ही ज़्यादा हमें नाइट ड्रिंक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गाइस बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप रात को ये घोल कर बनाए, वो घोल कर बनाए, ना ही मैं आपके लिए कोई 6-7 चीज़ों की कोई रेसिपी शेयर करूँगी कि आप इसका चूर्ण बना के खाएं। मेरी तरफ से एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रही है मेरी टाइम पे, या फिर मैं चाहती हूँ कि जो लोग आप जैसे लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, बस रात को सोने से 30 मिनट पहले, सिर्फ 30 मिनट पहले एक कप ग्रीन टी का ज़रूर पी के सोएं। और इससे ज़्यादा अच्छा बेस्ट नाइट ड्रिंक कोई भी नहीं हो सकता गाइस, ना तो कोई चूर्ण हो सकता है और ना ही कोई अदर ड्रिंक हो सकती है। ग्रीन टी इज़ परफेक्ट फॉर नाइट ड्रिंक। आपने क्या करना है, बस एक सैशेट को खोलना है, गर्म पानी में उस सैशेट को डालना है और कम से कम आपको 2 मिनट तक उसको ढक के रखना है एंड योर नाइट ड्रिंक इज़ रेडी। आपको ये ड्रिंक सोने से 30 मिनट पहले पीनी है। और गाइस आपने ये मेक श्योर करना है कि दिन में कम से कम 2 कप्स ऑफ ग्रीन टी आप ज़रूर इनटेक करें। सो गाइस देखना ये टिप्स फॉलो करके आपका, मैं तो कह रही हूँ 15 दिन तो क्या, 3 से 4 दिन में आप लोग 2 kg तक लूज़ कर लेंगे। और आप देखना 15 दिन के अंदर आपका बॉडी है, जो आपका फिगर है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब वैलेंटाइंस डे पे आपकी जो फेवरेट ड्रेस है आप वो ज़रूर पहन पाओगे। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए।